अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके यूपी बीटीसी डीएलएड एडमिशन 2019। तो दोस्तों लीजिए बीटीसी का आज की बड़ी अपडेट हम देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों प्रदेश में डीएलएड के 88,000 सीटें खाली रह गई। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर है, इस बार आपके 2019 में अब तक 88,000 सीटें खाली है। तो दोस्तों इस बार की सबसे बड़ी अपडेट, अभी तक क्या होता था दोस्तों, पिछले वर्षों में बीटीसी की एक भी सीट खाली नहीं रहती थी। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या फेज थ्री आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल लाजमी है उठना आपके मन में कि अभी तक दोस्तों फेज टू की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है, क्या डायरेक्ट एडमिशन के अलावा कोई और प्रोसेस बचा है। ठीक है, तो इस वीडियो में सब कुछ हम जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि प्रदेश में डीएलएड की 88,000 सीटें आपकी रह गई है खाली। प्रदेश के सरकारी व निजी बीटीसी डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए अंतिम चरण की काउंसलिंग के बाद डीएलएड की 88,317 सीटें खाली रह गई। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण ने बताया कि अंतिम चरण की काउंसलिंग में कुल 20,430 अभ्यर्थियों ने विकल्प भरा, इसमें से 16,902 अभ्यर्थियों की सीट आवंटित हो गई। अब अभ्यर्थियों को शुल्क जमा करने के लिए 29 अगस्त तक का समय दिया गया है, जबकि प्रदेश की मतलब आपके प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अगस्त रखी गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बताया कि प्रदेश में सभी डायट में सीटें भर गई हैं। डीएलएड की 2,29,150 सीटों में अंतिम चरण की काउंसलिंग के बाद 1,40,833 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित कर दी गई। अंतिम चरण में सीटों के आवंटन के बाद अब 88,317 सीटें हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से पहले चरण की काउंसलिंग में 1,38,442 सीटें आवंटित हुई थी, जबकि 90,000 समथिंग बच्चों ने सीटें मतलब खाली रह गई थी। इस प्रकार परीक्षा नियामक की ओर से लगातार तीन चरणों की काउंसलिंग के बाद भी मात्र 2,000 सीटों पर ही काउंसलिंग के लिए अतिरिक्त अभ्यर्थी पहुंचे। तो दोस्तों अब देखने वाली बात होगी, देखिए एक चीज पता क्या था, इस बार जिन बच्चों को पिछली बार कॉलेज अलॉट हो गया था उनको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया। तो इसलिए आप लोग जो यहाँ पर आपके सामने कुछ डेटा दिख रहे हैं या मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है थोड़ी ऊपर नीचे इसलिए हो रही है। तो दोस्तों आप लोग को सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी कि कब और क्या कैसे करना है। देखिए दोस्तों हम फिलहाल आपको बता देते हैं जो डीएलएड की ऑफिशियल आई थी नोटिफिकेशन, डीएलएड प्रशिक्षण 2019 चयन प्रवेश की कार्रवाई हेतु प्रस्तावित समय सारिणी थी, तो सब कुछ 26 जून। ठीक है दोस्तों, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 27 से शुरू हो चुका था और 11 तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना था। देखिए सब कुछ ये दिखा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए जो लास्ट हमारा फेज टू का दिखाया गया था यहाँ पर कि जो सेकंड राउंड में जो सब कुछ होगा, अभिलेखी जांच एवं प्रवेश की कार्रवाई करना तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर अपलोड किया जाना, ये 30 अगस्त तक करना था। लेकिन दोस्तों आपको 29 अगस्त तक आपको पेमेंट सब कुछ खत्म कर देना है, नहीं तो आप लोग हो नहीं पाएगा, याद रखना है। दोस्तों महत्वपूर्ण बात ये है आप लोगों की कि जो देखिए यहाँ पर जो आपकी विज्ञप्ति सो रही है यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि आवंटित संस्थानों में अभिलेखी जांच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक है। ठीक है, तो आप लोग 29 अगस्त तक सब कुछ कर लीजिएगा। जो ये 30 अगस्त की डेट शो की गई दोस्तों, ये आप लोग का जो कॉलेज वाले रिपोर्ट लॉक नहीं करते कि मतलब कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, वो उसके लिए। तो आपको 29 अगस्त तक सब कुछ कर लेना है, नहीं तो आप लोग परेशान होंगे बाद में, पैसा डूब जाएगा 10,000 रुपए, 1 रुपए भी आपका रिफंड नहीं किया जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो दोस्तों और आपके मन में क्या सवाल उठ रहा होगा उसको देखते हैं कि अब डायरेक्ट एडमिशन में क्या होगा। देखिए अभी तक जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट भी हो गया, मान लेते हैं अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिला है, तो पहली बात तो दोस्तों हमने आपको कितनी बार मना किया कि आप उन कॉलेजेस को बिल्कुल मत भरिएगा जो आपके घर से दूर हो, तो आपने चलिए भर भी दिया गलती से। तो अब आपके पास क्या विकल्प बचता है, ये एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि जिन बच्चों को कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो गया अब वो क्या कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे डायट हो। देखिए जिन बच्चों को डायट कॉलेज अलॉट हुआ, सबसे पहले हम उनको बताना चाहेंगे कि अब आपको पर डे क्लासेस लेनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कॉलेजेस में किसी भी प्रकार की छूट की व्यवस्था नहीं होती है। अगर आपकी भाई थोड़ी बहुत पहुंच है या आप कॉलेज में कोई रिश्तेदार है तो हम नहीं जानते, वो बात अलग होती है। लेकिन हाँ, जो बच्चे सामान्य होते जिनको कोई नहीं जानता, तो उन्हें पर डे कॉलेज जाना पड़ता है, तो उनमें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो उनको थोड़ी बहुत छूट की व्यवस्था दे दी जाती है, थोड़ी सी ढील बढ़ती जाती है। आपको पता है ना, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ने का थोड़ा सा फायदा आपको मिलेगा, तो यही सब चीजें होती है दोस्तों। लेकिन देखिए फेज थ्री अभी आने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है, अब वेबसाइट पर भी किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं है कि आप फेज थ्री आएगा, तो ये बात दोस्तों अब साफ हो चुकी है कि फेज थ्री आने वाला नहीं है। जिन बच्चों को कॉलेजेस मिल चुके हैं उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला उनके लिए दुखद खबर है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को अपने मन पसंद का कॉलेजेस मिला हो। तो कल लास्ट राउंड के काउंसलिंग जो कल का रिजल्ट आया, तो काफी बच्चों ने मैसेजेस किया कि सर हमें डायट कॉलेजेस अलॉट हुए। जिन बच्चों के ठीक ठाक नंबर थे तो उनको डायट कॉलेजेस दोस्तों मिल गया है। एससी कैटेगरी में मेरिट काफी डाउन गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एससी कैटेगरी से आते थे तो आपके लिए मेरिट बहुत ही ज्यादा डाउन हुई है। ओबीसी में भी दोस्तों डाउन हुई, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं हो पाई, जनरल में भी नॉर्मल रही। और एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों को जबरदस्त फायदा देखने को मिला अंतिम समय में। तो अब आपके ऊपर दोस्तों डिपेंड करता है कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको बीटीसी करने का मन है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब जिन बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन लेना है, देखिए क्या करना है डायरेक्ट एडमिशन में। अगर आप लोग का काउंसलिंग के थ्रू भी दोस्तों प्रोसेस होता है, तो उसके बाद कॉलेज वाले क्या करते हैं, आपको एक अपने कॉलेज का फॉर्म देते हैं। तो हो सकता है सभी बच्चों ने ये बात फेस किया हो, जिन बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना था, नॉर्मल काउंसलिंग प्रोसेस से गए, उसके बाद दोस्तों आप लोग को कॉलेज में 1,000 रुपए से लेकर 3,000 या कुछ कॉलेज में 5,000-5,000 रुपए तक लूटे गए, जो कि ये फॉर्म के पैसे नहीं लगने चाहिए। इसका कोई मतलब ही नहीं था दोस्तों, जब आपने सब कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। ये कॉलेज वाले पैसे खाने के लिए आपसे फॉर्म भराते हैं, तो भाई ये फॉर्म भरा लिया गया। अब क्या होगा कि जिनका डायरेक्ट एडमिशन लेना तो उनको ये फॉर्म भराया जाएगा। अब उनके लिए दोस्तों ये फॉर्म होता है जिनको डायरेक्ट चाहिए होता है। अब जो काउंसलिंग प्रोसेस से आते हैं उनके लिए क्या जरूरत है, और दोस्तों इसके पैसे इतने ज्यादा नहीं होते हैं कि भाई 3,000 रुपए ले लो। ये कागज के 3,000 रुपए कोई देगा क्या, पागल है क्या कोई, कि आपको कागज का फर्जी का 3-3 हज़ार रुपए लूटा जा रहा है। तो दोस्तों ये लूट है, ये लूट कहाँ मची है कि जहां पर प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या कम है। जैसे मान लेते अगर आपके यहाँ 100 लड़के पढ़ने वाले हैं, आपको एक कॉलेज है ठीक है, अब उनके 10 सीटें बची हैं, तो भाई वो प्राइवेट कॉलेज वाले अगर 5,000 या 50,000 का फॉर्म भेजेंगे तब भी कोई कोई ना कोई ले लेगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं भाई अमीर घर के, वो ले लेते हैं। अब और कुछ जगह क्या है दोस्तों हाल, कि आप वहां पर 100 प्राइवेट कॉलेज हैं, समझिए पहली बात, 100 प्राइवेट कॉलेज है, 50 लड़के पढ़ने वाले, तो सभी कॉलेज वाले चाहेंगे कि बच्चे हमारे यहाँ फ्री में लेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। एससी और एसटी के तक के बच्चों को तो फ्री में एडमिशन भी दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप तो आ जाती है। तो अगर आप एलिजिबल हैं एससी एसटी कैटेगरी में तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बात ही खत्म। तो कॉलेज वाले भी समझदारी दिखा रहे हैं कि भाई अधिक से अधिक बच्चों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, अपनी ओर आकर्षित किया जाए। अब ये अंतिम समय चल रहा है, अगर अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ तो फिर तो आप लोग सोच लीजिए इस साल आपका वेस्ट हो जाएगा। अगर आपने कुछ और बैकअप बना रखा है, कुछ और पढ़ाई करनी है, तो आपके पास सारे रास्ते ओपन है। लेकिन दोस्तों उम्मीद करते हैं अगर आपको बीटीसी करने का मन है, कि मन था कि भाई चलो आगे चल के टीचर बन सकते हैं, तो आप लोग बीटीसी में एक चांस आजमा सकते हैं। 2 साल का दोस्तों बीटीसी होता है, 2 साल आपको, देखिए एक चीज है बीटीसी में जाते हैं आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। बच्चे डीमोटिवेट करते हैं कि यार नौकरी नहीं लगती, देखिए नौकरी उनकी लगती है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे नंबर लाते हैं उनकी नौकरी आज भी लगती है, कल भी लगती थी। होता है क्या है ना, अब कुछ बच्चे बीटीसी में जाके, जैसे आप अगर बायो स्टूडेंट हैं या आप आर्ट साइड हैं ठीक है, आर्ट साइड से दोस्तों आते हैं, तो आपकी मैथ और सब सिंपल सी बात है कमजोर तो होगी, आपने मैथ छोड़ चुके हैं ना, तो आपकी मैथ कहाँ अच्छी होगी। तो मैथ लेकिन दोस्तों बिल्कुल बेसिक रहती है, थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। और बच्चे गलती क्या करते हैं, 41,000 रुपये दोस्तों आप प्राइवेट कॉलेज में पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आप 3-3 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये प्रैक्टिकल फीस और 2-3 हज़ार रुपये इतने पैसे बर्बाद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने ऊपर पैसे बर्बाद करने की सोचे, इन्वेस्ट करिए दोस्तों, उसे वेस्ट नहीं करते, उसे इन्वेस्ट करते हैं। तो आप लोग मैथ ही कोचिंग लीजिए जाकर, आपके घर के पास कोई प्राइवेट ट्यूशन वाले हो, अगर ना मिले तो दोस्तों आप हमसे पढ़ सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू, आपको एक एक सवाल के क्वेश्चन के आंसर बताए जाते हैं। अगर आपने मैथ बीटीसी में मैथ नहीं सीखी ना, तो समझ लीजिए आप बीटीसी करना आपका पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये आपका आगे चलकर यूपी टेट का पेपर होता है दोस्तों, वहां पर भी मैथ आती है, आपका सुपर टेट का दोस्तों पेपर होगा वहां पर भी मैथ आएगी। तो मतलब बिना मैथ के तो आपको नौकरी मिलनी ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है आपको मैथ तो मजबूत रखनी ही पड़ेगी। तो ये बात आपको अब अच्छे से समझ में आ रही होगी कि मैथ के बिना नौकरी नहीं मिलती, तो इसको सीखना पड़ेगा। तो आप लोग की जैसी भी मैथ हो, आपने जो पिछले समय में गलतियां की उसको छोड़कर अब आपको आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अब देखिए 88,000 सीटें खाली हैं, तो मतलब है कि सिंपल सी बातें देखने को लग रहा होगा कि अब आपका एडमिशन बहुत ही आसानी से होगा, लेकिन उन जिलों में दोस्तों आसानी से होगा जहां पर सीटें ज्यादा खाली हैं। अब कुछ ऐसे जिले होंगे दोस्तों जहां पर भाई 2-4 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उनके तो भाई भाव रेट होता है ना बड़े रहते हैं, तो उनके हम दोस्तों बात ही नहीं कर रहे। लेकिन जहां पर ज्यादा कॉलेजेस हैं, आगरा हो गया जैसे, वहां पर आप लोग एडमिशन लेंगे तो कोई दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, और जहां पर कॉलेज की संख्या कम है तो वहां पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, बस यही सब फर्क है। तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी, इस बार सीटें काफी ज्यादा खाली है, तो आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहेंगे तो दोस्तों आपका एडमिशन हो जाएगा। अब मेन बात आती है फीस की, चलिए बता देते फीस क्या होती है। देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में जो रूल है दोस्तों, उसके बाद जिन बच्चों का भी कॉलेज अलॉट हो गया, सबसे पहले उन्हें
10,000 रुपये दोस्तों पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको 31,000 रुपये अलग से देना पड़ेगा, मतलब टोटल 41,000 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों सरकारी कॉलेज में क्या है, तो 10,000 रुपये पहले तो आपको देना पड़ेगा, उसके बाद 200 रुपये और देना पड़ेगा, तो मतलब 10,200 रुपये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये आपके ऊपर दोस्तों डिपेंड करेगा कि आपको कैसे और कहाँ पेमेंट करनी है। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो दोस्तों उसका प्रोसेस अलग होगा, कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि कैसे कैसे होना है। तो फिलहाल दोस्तों अभी देखिए डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप जाइए, कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन 30 अगस्त से पहले वो डेट आपका शो नहीं कर पाएंगे कि आपका एडमिशन, क्योंकि हो सकता है कि अभी एक नया शेड्यूल आ जाए कि वहाँ आगे कैसे करना है। लेकिन हाँ, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो एक बार आप प्राइवेट कॉलेज में जो आपके घर के नजदीक हो, बात उनमें करनी है जो घर के पास में हो, ये नहीं कि आप जाके 20 किलोमीटर दूर 50 किलोमीटर दूर बात करके आए। हाँ, दूर में अगर चले जाइए जहां पर आने जाने की व्यवस्था हो जाए, कि मतलब महीने में एक दिन जाना है, साल में 2 बार जाना है, तो वहां तो हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरीके से रेगुलर कोर्स है, इसमें कोई छुट्टी नहीं होती। एक चीज हम बता दें, अगर आप सरकारी कॉलेज ले रहे थे, इसमें 2 साल का रेगुलर कोर्स है, गर्मी ठंडी की कोई छुट्टी या नहीं होती। आपको 4 महीने टीचिंग करने का मौका मिलता है, तो टीचिंग अपने पास के गाँव में ले सकते हैं। तो दोस्तों उसी को आप छुट्टी या जो भी समझ लीजिए, ये सब दोस्तों प्रोसेस होता है, तो आपको देखना है कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और फिर मिलते हैं।